विजयपुर शहर में शुक्रवार को बात करते हुए कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राज्य सरकार का बजट कान पर फूल लगाने जैसा है। भाजपा सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी भी झूठ बोल रहे हैं, सीएम बसवराज बोम्मई ने झूठ बोलना सीख लिया है, 4 साल के प्रशासन में विकास कार्य नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब 20 दिनों में क्या होगा। पिछले बजट में स्वास्थ्य सेवाओं समेत कई योजनाओं की घोषणा की गई थी, लेकिन जिस पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सीएम बोम्मई की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, भाजपा सरकार हिंसा की सरकार है। पूर्व सीएम सिद्धरामय्या के खिलाफ अपमानजनक बयान देना निंदनीय है, खंडनीय है। उसके लिए मंत्री अश्वथ नारायण के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल के आरोप सही है, उन्होंने कॉरपोरेट में करोड़ों का निवेश किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए। कर्नाटक के एक मंत्री अश्वथ नारायण कहते हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो सिद्धारमैया साहब हैं उनको उड़ा दीजिए। कभी वो बीबीसी का गला दबाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसके पीछे उनका डीएनए है। भाजपा के लोगों का डीएनए हिंसा है, वॉयलेंस है। गॉडसे की विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या भी की, इसी हिंसा की विचारधारा ने इंदिरा जी की हत्या की, इसी हिंसा की विचारधारा ने बम लगाकर इस देश के सबसे प्यारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी हिंसा की विचारधारा ने पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री सरदार बेन सिंह को 1000 टुकड़े कर उनको हिंसा की वेदी पर बलि चढ़ा दिया। इसी हिंसा की विचारधारा ने विद्याचरण शुक्ला जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनको शायद 40 या 50 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसी हिंसा की विचारधारा ने नंद कुमार पटेल जो एक ट्राइबल थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। मैं केवल उन सबको जो अखबार का गला दबाएं या फिर कांग्रेस के नेताओं की हत्या की धमकी दें या उसे उकसाएं, उन्हें एक ही बात कहूंगा, हिंसा हार की निशानी है। जो लोग हार जाते हैं वो हिंसा पर उतर जाते हैं। कांग्रेस कर्नाटका के लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीत रही है, जो हार रहे हैं वो बौखलाए हुए हैं, उन्हें इग्नोर कर दीजिए और माफ भी कर दीजिए। राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है वो आदानी है। सो दिस इज चुनावना रिलेटेड बजट। बोम्मई जी का जो बजट है सर, ऊपर देखिए, अगर मैं उसे 3 शब्दों में बताऊं, वो जो बजट है वो है कीवी मेले हुआ, जुमला बजट। जो 4 साल में नहीं कर पाए वो 20 दिन में कैसे करेंगे बोम्मई साहब? आप झूठ झूठ और झूठ। ऊपर वाले जो हैं दिल्ली वाले वो भी झूठ बोलते हैं। लगता है उन्होंने बोम्मई जी को अच्छी क्लास दी है। लगता है मोदी जी ने बोम्मई जी को कहा झूठ बोलो, फिर कहा और झूठ बोलो, फिर कहा बार बार झूठ बोलो, पर उन्हें मालूम नहीं कि कर्नाटका के लोग झूठ पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो इनविजिलेटर होते हैं ना एग्जाम में, कई बड़े अच्छे होते हैं, तो 6.5 करोड़ कन्नडिगाज बहुत अच्छे इनविजिलेटर हैं। पिछले बजट में 339 वादे उन्होंने किए थे, उसमें से 229 गवर्नमेंट ऑर्डर्स में रह गए और 100 के करीब जो हैं उनकी चर्चा ही कभी नहीं हुई। पिछले बजट में याद करिए उन्होंने बहुत धूमधाम से कहा 800 नम्मा क्लिनिक्स बनाएंगे, वहाँ बड़ी बड़ी मशीन लगाएंगे, कहाँ गए वो? 1 साल से याद ही नहीं आए। पिछले बजट में कहा था कि सूची स्कीम लागू करेंगे, 19 लाख बेटियों को लाभ मिलेगा, 1 साल से वो लागू करना भूल गए। पिछले बजट का जो पैसा था 2.5 लाख करोड़, उसमें से 1,50,000 करोड़ खर्च ही नहीं किया, 45% पैसा खर्च करना ही भूल गए, क्योंकि 40% कमीशन लेने से बोम्मई जी को फुर्सत मिले
इसीलिए तो उनका नाम पे सीएम के नाम से जाना जाता है। भाजपा की जो भ्रष्टासुर बोम्बई सरकार है उसके दिन लग गए और अब लोग नया बदलाव चाहते हैं। और नए न्यूजों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।